बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस परिवारवाद में भी बगावती तेवर अक्सर सियासत का रुख बदलते रहे। कभी चाचा भतीजे की जंग होती है, कभी दो बेटों में दरार आ जाती है, शायद इसी का नाम राजनीति। सियासत में अपनों से जंग लड़ने की कहानी हर दशक में देखने को मिलती है। एनटी रामा राव और चंद्रबाबू नायडू की कहानी तो पूरी तरह से फिल्मी है। रूपहले पर्दे को छोड़कर सियासत का दामन थामने वाले रामा राव ने यहाँ भी बुलंदियां छुई और तीन बार आंध्र प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन अपने जिस दामाद चंद्रबाबू नायडू को वो सियासत में लाए थे, उसी दामाद ने बगावती तेवर अपना लिए। रामा राव की बढ़ती उम्र के बाद दूसरी पत्नी सावित्री की दखल जैसे ही पार्टी में बढ़ी, पूरी पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए। पार्टी में उठ रहे विरोधी सुर को चंद्रबाबू नायडू ने भुनाया। 23 अगस्त 1995 में पार्टी के संस्थापक एनटी रामा राव को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद के वायसराय होटल में पार्टी के 226 विधायकों में 200 से ज्यादा विधायक नायडू के नाम पर जुट गए थे। देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को दरकिनार कर रणजीत सिंह को राजनीतिक विरासत सौंप रखी थी। 2 दिसंबर 1989 को देवीलाल केंद्र की वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री का पद खाली होते ही देवीलाल परिवार में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल को प्रभाव में लेते हुए कुछ इस तरह से पारिवारिक तख्ता पलट किया कि खुद मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने रणजीत सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल की राजनीतिक विरासत हासिल करने के बाद रणजीत सिंह ने लोक दल से किनारा कर लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आज तक ब्यूरो।